ऑडियंस को अपने बारे में कुछ बताएं प्लीज। जी सर, मैं डॉक्टर गौतम बंसाली हूँ। मैं कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई के अंदर बॉम्बे हॉस्पिटल है। मैं बॉम्बे हॉस्पिटल में कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ और पिछले 1.5 साल से, जब से कोविड बॉम्बे में आया है, तब से मैं बॉम्बई का चीफ कोऑर्डिनेटर भी हूँ। सारे प्राइवेट हॉस्पिटल, जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है मुंबई में, जितने भी नर्सिंग होम है, उनका मैं गवर्नमेंट के साथ में चीफ कोऑर्डिनेटर हूँ, जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं कि हर पेशेंट को बम्बई में बेड मिले बराबर, जब जब जरूरत पड़ती है, जिसको कोविड पॉजिटिव है, सिम्टोमेटिक है, एसिम्टोमेटिक है, समय पर बेड मिलना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, जब से मुझे सरकार ने चीफ कोऑर्डिनेटर बनाया प्राइवेट हॉस्पिटल का, एक भी पेशेंट इस वजह से नहीं मरा कि उसको हॉस्पिटल में बेड नहीं मिला। इनक्रेडिबल, हैट्स ऑफ सर। सर, इसके बारे में देश और दुनिया में बहुत चर्चा हो रही है, मुंबई मॉडल के बारे में हमें कुछ बताएं सर। जी, मुंबई मॉडल एक्चुअली देखा जाए तो मुंबई मॉडल कुछ है ही नहीं। मुंबई मॉडल एक सोच है, एक ऐसा सोच है जिसके अंदर सारे डॉक्टर ने, नर्सेज ने, रेजिडेंट डॉक्टर और नर्सेज हर हॉस्पिटल की एक बैकबोन कहलाती है। उन्होंने मिलजुल के काम किया है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, मुंबई पुलिस ने, सब लोगों ने रात दिन 24/7, नो सैटरडे, नो संडे, नो हॉलीडे, कुछ नहीं, काम करना है लोगों के लिए, काम करना, ये एक पैंडेमिक है उसमें काम करना, लग कर के काम किया, रात दिन लग के काम किया। वो मुंबई मॉडल है, वो मुंबई का एक सोच है। ये एक ऐसी सोच है जिसके अंदर हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सारे प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को, सीईओस को बुलाते हैं और वो ये बोलते हैं कि मैं कोई तुम्हारा हॉस्पिटल उठाने वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हारे हॉस्पिटल में कोई रेड डालने वाला नहीं हूँ। डॉक्टर साहब, ये टाइम चैरिटी करने का नहीं है, दिस टाइम इज़ फॉर सेक्रीफाइस। मेरा गरीब मरीज बेचारा कहाँ जाएगा? हम चाहते हैं कि आप गवर्नमेंट रेट पर इसका इलाज करो। पिछला 1.5 साल हो गया है मुंबई के सारे प्राइवेट हॉस्पिटल उसी गवर्नमेंट रेट पर अभी भी काम कर रहे हैं, लगातार काम चल रहा है। ये मुंबई मॉडल है, ये मुंबई मॉडल एक ऐसा सोच है जिसका म्युनिसिपल कमिश्नर पहले दिन ही, जिस दिन म्युनिसिपल कमिश्नर बनते हैं उसी दिन वो सड़क पे आते हैं, मेरे साथ कोविड आईसीयू में जाते हैं, एक सेनापति की तरह कोविड आईसीयू में वो म्युनिसिपल कमिश्नर खुद पीपीई किट पहन के जाते हैं, डॉक्टर से, नर्सेस से, सुपर से, वार्ड बॉय से बातें करते हैं, उनकी प्रॉब्लम जानते हैं और उनको अपना पर्सनल मोबाइल नंबर दे के आते हैं कि तुम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारा कमिश्नर, तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ सड़क पर हूँ। मेरे साथ 4 किलोमीटर वो धारावी जाते हैं, धारावी जाकर के पूरा एरिया को छानते हैं, वहाँ देखते हैं, लोगों की प्रॉब्लम समझते हैं, सेनापति की तरह सड़क पे आके काम करते हैं। मुंबई मॉडल एक ऐसी सोच है जिसके अंदर मुंबई के अंदर आज 10,000 से ज़्यादा डायलिसिस के पेशेंट हैं और वो पेशेंट के लिए हमारे डॉक्टर बिच्छू ने एक ऐसा पोर्टल बनाया कि कोई भी पेशेंट डायलिसिस का हो, जो कोविड पॉजिटिव हो, उसको दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा पोर्टल बनाया, आपको घर बैठे आपको स्लॉट मिलेगा। एक मुंबई मॉडल एक ऐसा सोच है जिसके अंदर 3 महीने पहले हम लोगों ने ये प्लानिंग कर ली थी, गवर्नमेंट ने ये प्लानिंग कर ली थी कि शायद सेकेंड वेव आ सकती है, एक तूफान आ सकता है, एक सुनामी आ सकती है, हमको पहले से ऑक्सीजन का अरेंजमेंट करके रखना है, हमको रेमडेसिविर, जो भी मेडिसिन चाहिए, जो भी चीज़ की ज़रूरत है, सब चीज़ें टाइम पर अवेलेबल होनी चाहिए। अभी थर्ड वेव की भी संभावना जो लोग बता रहे हैं उसके लिए मुंबई में पहले से ही पीडियाट्रिक जंबो हॉस्पिटल वगैरह बनाने का काम शुरू हो चुका है। तो मुंबई मॉडल कोई मॉडल नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सोच है जहाँ सब लोग मिलजुल के रात दिन काम कर रहे हैं। वंडरफुल सर, और इसके लिए हम आपको जितना धन्यवाद कहें उतना कम होगा, लेकिन आपके बाद थोड़ा सा माइक ऊपर लीजिए जी। नमस्ते, थैंक यू सो मच, इट्स आवर प्लेजर मैम। सर तो इतना कमाल का काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब, एंड यू नो बहुत करेज चाहिए, बहुत ब्रेव हैं सर, लेकिन जब आप घर पे बैठी होती हैं और उनका इंतज़ार कर रही होती हैं, मुझे क्या, पूरी दुनिया को पता है कि उसमें भी उतनी ही ब्रेवरी लगती है। तो सबसे पहले तो हैट्स ऑफ टू यू मैम। थैंक यू सर। मैं आपसे जानना, काम करना, और स्टार्टिंग में फर्स्ट 10 डेज तो घर पे आए भी नहीं थे, बच्चे पूछते थे कि मम्मा पापा कब आएंगे, मेरे पास इसका कोई आंसर नहीं होता था कि मैं इनको क्या जवाब दूँ। और जब काफ़ी दिनों बाद आए तो सिचुएशन ऐसी पैनिक थी कि बच्चे अपने फादर से नहीं मिल सकते, कोई गले नहीं मिल सकते, सो बड़ा विचित्र सिचुएशन थी। और जब हम न्यूज़ चैनल्स में देखते थे कि इतने डॉक्टर्स भी इन्फेक्ट हो रहे हैं और सब, और सोच सोच के बहुत टेंशन होती थी। और जब दूसरों के फैमिलीज़ में देखती थी कि पेरेंट्स, फादर मदर दोनों अपने बच्चों के साथ गेम्स खेल रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्वालिटी टाइम्स, बट मेरे घर ऐसा कुछ नहीं था। बट ये टाइम सोसाइटी की सर्विस करने का है और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मुझे अपने, कि मैं एक डॉक्टर की वाइफ हूँ। सभी डॉक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया है, टिल स्टार्टिंग से टिल अभी तक
वो काम कर रहे हैं. और मैं डॉक्टर्स की वाइफ को भी बहुत सल्यूट करती हूँ कि उन्होंने डॉक्टर्स को सपोर्ट किया और घर पे भी सारी कंडीशन और जो भी सिचुएशन थी उसको बहुत ही ब्रेवली हैंडल किया. सो उनको बहुत बहुत हैट्स ऑफ. बिल्कुल बिल्कुल मैम के लिए भी जोरदार तालियां. आई हैव अ पर्सनल इंटरेक्शन विद गौतम साहब. यस सर. ये वो डॉक्टर साहब हैं, इनके बारे में इतनी बातें हो चुकी, खुद गौतम जी मुंबई मॉडल के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन भाभी जी को भी पता है, इनको भी पता है डॉक्टर साहब को, कि ये वो इंसान है. एंड आपको बताना चाहता हूँ, ये फैक्ट है, ये बीती हुई बात है. यस सर. जब तबीयत खराब हो या कोई प्रॉब्लम हो, इनको अगर रात को 2 बजे फ़ोन किया जाए, रात को 2 बजे एक बार फ़ोन लगाया तो इन्होंने फ़ोन उठाया और क्या कर रहे हो, तबीयत कैसी है, तुमने वो दवाई ली कि नहीं ली, सब ठीक है, ऐसी ऐसी बातें. मतलब हमारे दोस्तों का फ़ोन चले जाए, मैं बोला डॉक्टर साहब इनके, मेरा एक फ्रेंड है, इसकी तबीयत बहुत ख़राब है, उसको बोलो मुझे फ़ोन करें. और ये जब बड़े बड़े आदमी को संभाल रहे हैं, हॉस्पिटल में सुबह शाम रहने वाले इंसान. मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ, मैंने बहुत डॉक्टर्स देखे हैं, बहुत गुनी गुनी डॉक्टर्स देखे हैं, लेकिन ऐसा इंसान बहुत कम नसीब वालों को मिलता है. हम तो खुश नसीब हैं. और मैं देखना चाहता हूँ कि कितनी ज़ोर से बजेगी ताली. मैं देखना चाहता हूँ कितनी ज़ोर से, म्यूजिशियंस को भी बोल रहा हूँ, कितनी ज़ोर से बजेगी ताली, क्योंकि हमारी महफिल में एक है, द वन एंड ओनली गौतम भंसाली. वाह वाह, क्या बात है सर. सर हैट्स ऑफ टू यू. सारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स को हमारा सल्यूट है और उनके परिवार वालों को भी, जैसा मैम ने कहा. अब हमारी प्यारी सी अरुणिता पे आते हैं सर. तो कैसी लगती है आपको हमारी अरुणिता? सर बहुत अच्छी लगती है, स्पेशली मेरी वाइफ की बहुत फेवरेट है. अच्छा. मैं आपको एक बात ये बोलना चाहता हूँ सर, ये कोविड टाइम में जो काम आपके इंडियन आइडल वालों ने किया, आपकी टीम ने किया, आपके सारे कंटेस्टेड लोगों ने किया, फ्रंटलाइन वर्कर की तरह काम किया, लोगों को हंसाने का काम, लोगों को एंटरटेन करने का काम, इस टाइम में जो सुकून का एक लोगों को मिला है आप लोगों के गाने सुन करके, मैं आप लोगों को बहुत सैल्यूट करना चाहता हूँ. जैसे डॉक्टर्स ने काम किया, इंडियन आइडल की पूरी टीम, पूरे स्टाफ, सब लोगों ने जिस तरह से लोगों को एंटरटेन करके रखा, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ. एक हरिवंश राज जी की एक छोटी सी पंक्ति है, मैं बताता हूँ आपको. तू ना थकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना थकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ. क्या बात है सर, क्या बात है. ये अजीब दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेद रक्त से लथपथ, 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 अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ. क्या बात है सर, वाह. And thank you so much, sir. आप सबके माध्यम से, आपके इस पॉपुलर चैनल, इस पॉपुलर इंडियन आइडल के शो के माध्यम से सब लोगों को मैं एक वादा करना चाहता हूँ. बहुत जल्दी एक ऐसी सुबह होने वाली है, बहुत जल्दी एक ऐसी सुबह होने वाली है जब लोग कंधों पर ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं, ऑफिस का बैग लेके जाएंगे, जब गली मोहल्लों पे एम्बुलेंस नहीं आएगी, स्कूल की वैन आएगी, जब भीड़ दवाखानों हॉस्पिटल में नहीं होगी, जब भीड़ चाय की टपरी पे होगी. यस, बहुत जल्दी वो सुबह आने वाली है. बिल्कुल सर, बहुत जल्दी.